मैं हूं आपके साथ शरद बाघेला। बात करते हैं रायपुर की। यहां पर स्थगन पर चर्चा की मांग को लेकर बीजेपी का हंगामा हुआ है और सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच नोकझोंक भी हुई है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा की, छत्तीसगढ़ विधानसभा में गृह प्रवेश में प्रवेश करने पर विपक्षी सदस्य निलंबित, 15 सदस्यों को निलंबित किया गया है। बीजेपी जेसीसी विधायक निलंबित हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। विपक्ष की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर विधानसभा से आ रही है, जहां पर सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया है और वॉकआउट करने के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी नोकझोंक हुई है गर्भगृह में। आपको बता दें कि 15 सदस्यों को निलंबित भी कर दिया गया है। यह सबसे बड़ी खबर है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का यह हंगामा हुआ है और चर्चा की मांग पर बीजेपी ने हंगामा किया है, यानी कि किसानों का जो मुद्दा है वो लगातार लंबे समय से चर्चा का विषय बनता हुआ आ रहा था और इस बीच 15 सदस्यों को निलंबित किया गया है। सदन की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि चर्चा की मांग पर बीजेपी का जबरदस्त हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच नोकझोंक हुई है और गर्भगृह में प्रवेश करने पर विपक्षी सदस्य निलंबित हुए हैं और 15 सदस्यों को निलंबित किया गया है। इस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक किसानों के रकबे में कम करने के आदेश जारी हुए हैं रातों रात, और 30 तारीख तक 6 लाख हेक्टेयर रकबे पूरे कम करें, 2500 करोड़ की धान खरीदी ना हो, 6 लाख हेक्टेयर धान एकड़ कम हो जाए, और ये सरकार पीछे के रास्ते से भागना चाहती है। और किसानों को उन्होंने नोटिस दिया है कि यदि 30 तारीख तक अपने रकबे में कटौती नहीं करेंगे उनके खिलाफ FIR होगा। अधिकारी का निर्देश SDM को है, तहसीलदार पटवारी को टारगेट दिया गया है। उस टारगेट में कहा गया है कि जो इस टारगेट का पालन नहीं करेगा उसको खिलाफ FIR दर्ज होगा, यानी किसानों के खिलाफ FIR दर्ज होगा इस सरकार में। ये सरकार अपने वायदे से मुकर रही है, किसानों को 1800-1850 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदने का आदेश सभी संग्रहण केंद्रों में, धान खरीदी केंद्रों में पहुंच चुका है। अब इसके बाद ये सरकार इतनी डरी हुई है धान खरीदने में कि ये हर अपने कलेक्टर, SP, पटवारी, तहसीलदार, कोटवार को ये आदेश दे दिए हैं कि हर किसान के धान के रकबे में कम से कम आधा एकड़, एक एकड़ काटो, ताकि इस प्रदेश में कई हजार एकड़ धान का रकबा कम हो जाए। और ज्यादा बातचीत की हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ संपादक, उनसे बातचीत करते हैं। जैसा हम देख रहे हैं मनोज, विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, पक्ष विपक्ष के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई और 15 जो विधायक हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। अपडेट लाने चाहेंगे आपसे हम। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण मामला था जिस पर आज भाजपा ने स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में लाया था और इस पर चर्चा कराने की मांग की थी। कल शाम से ही इस बात की जानकारी मिल गई थी कि जो राज्य सरकार है उसने अधिकारियों के माध्यम से ये टारगेट दिया हुआ है कि जो धान की खेती करने वाले किसान हैं उसके रकबे में कटौती किया जाए। कुछ सोशल मीडिया में जो अधिकारियों के ग्रुप के कुछ स्क्रीनशॉट हैं वो वायरल हो रहे हैं, उसी को बेस करके भाजपा ने आज इसको विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव का मुद्दा बनाया था और इस पर स्थगन के जरिए चर्चा की मांग की थी। लेकिन जो है सत्ता पक्ष की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जो है विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करना शुरू किया। भाजपा के साथ साथ जो दूसरा विपक्ष दल है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, उसके विधायकों ने भी जो है भाजपा का साथ दिया और ये सभी जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दूसरी ओर सरकार की तरफ से सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जो है नारेबाजी करना शुरू किया और पुराने सरकार के दौरान जो किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई थी उसका हवाला देते हुए उन्होंने भी नारेबाजी शुरू किया। दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नारेबाजी शुरू होते होते हंगामा इतना बढ़ गया कि विपक्षी सदस्य जो है वो जाके गर्भगृह में घुस के नारेबाजी करने लगे और जैसा कि विधानसभा के नियम में ये शामिल है कि जैसे ही कोई सदस्य गर्भगृह में घुसता है तो वो स्वयं में निलंबित माना जाता है। तो इस तरह से जो भाजपा के विधायक हैं और JCC के विधायक हैं उनमें से कुल 15 लोग जो है गर्भगृह में घुसे थे और उन सभी को जो है निलंबित कर दिया गया सदन की कार्रवाई से, और उसके बाद सभी विधायकों ने बाहर आकर गांधी प्रतिमा के सामने जो है धरने पर बैठ गए और उनका कहना था कि सरकार जो है वो किसानों के साथ
अन्याय कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। विपक्ष का आरोप था कि पहले तो सरकार ने कहा था कि 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, लेकिन अब 2500 के बजाय 1850 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जा रही है। और इतना ही नहीं, जो किसानों ने धान बोया हुआ है उस धान के रकबे की कटौती के लिए जो है प्रशासन के माध्यम से निचले स्तर के अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है और टारगेट दिया गया है कि 6000 हेक्टेयर धान का रकबा कम करना है जिससे सरकार को कम धान खरीदना पड़े। लेकिन एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि जिस तरह किसानों के मुद्दे पर जो विपक्ष की बात करें लगातार लामबंद होती नजर आ रही है, लेकिन अब जब 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया निकलकर आ रही है बीजेपी की? देखिए, ये एक रूटीन प्रक्रिया है किसी मामले पर अटेंशन, मीडिया अटेंशन पाने के लिए या उसका महत्व जताने के लिए ऐसा आमतौर पर होता रहा है कि कोई बहुत ही चर्चित मामला है जिस पर विपक्ष को लगता है कि बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस तरह की चर्चा नहीं हो पाती है, स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य हो जाता है, तब ये एक रणनीति अपनाई जाती है और इससे जो है मीडिया अटेंशन मिलता है, खबरों में महत्वपूर्ण जगह मिलती है। ये एक सोची समझी रणनीति होती है, तो उसी के तहत भाजपा ने ऐसा किया है और गर्भगृह में घुस के नारेबाजी करने लगे थे और ये निलंबन कुछ देर में समाप्त भी हो जाता है जी। लेकिन लेकिन अब क्या माना जाए कि अब जो हम बात करें सदन की कार्रवाई को जो शुरू होने वाली है उसको लेकर, अब जिस तरह तमाम रणनीति बीजेपी अपना रही है, अब क्या कुछ और भी इनका जो एक्शन मोड हो सकता है वो क्या कुछ हो सकता है इसको लेकर, क्योंकि धान खरीदी का मसला जो है वो लगातार सत्ता पक्ष के को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि यही मुद्दा आगे भी बरकरार रहेगा या फिर और भी कोई मुद्दे घेरने की तैयारी बीजेपी रहेगी? तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भाजपा सरकार थी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में जिसने शासन किया, उसने आखिरी के जो 5 साल थे, पिछले 5 साल थे, उसमें किसानों को कहा गया था कि वो हर साल धान खरीदेंगे और 300 रुपए बोनस दिया जाएगा, लेकिन 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे और जो है उसके बाद जो कांग्रेस ने वादा किया था 2500 रुपए में धान खरीदी कर्जा माफी, तो किसान एक बड़ा मुद्दा है और ये माना जाता है कि कांग्रेस को यदि सत्ता मिली है तो किसानों की बदौलत ही मिली है और किसानों के साथ जो जो वादे सरकार ने किए थे पहले साल में उन सभी वादों को पूरा किया गया, मसलन कर्ज माफी की गई और 2500 रुपए में धान की खरीदी की गई, लेकिन दूसरे ही साल जो है जो सरकार के सामने दिक्कत है 2500 रुपए में जो धान खरीदे, एक तो धान का बंपर उत्पादन हुआ है, मानसून बहुत अच्छा रहा है इस बार, धान का काफी उत्पादन हुआ है और ऐसे में 2500 रुपए में धान खरीदना, खासतौर पर तब जबकि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि यदि आप बोनस के साथ धान की खरीदी करते हैं, समर्थन मूल्य से ज्यादा में यदि धान खरीदते हैं तो सेंट्रल पूल के तहत जो चावल लिया जाता है वो हम नहीं लेंगे, तो इतना धान खरीदने के बाद सरकार उसको करेगी क्या, इस बात को लेकर सरकार चिंतित है, इसीलिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है कि अभी जो है 1850 रुपए के रेट से अभी भुगतान कर दिया जाए और बजट सत्र में जो एक कमेटी बनाई गई है, कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर बजट सत्र में जो है नए बजट का प्रावधान किया जाए और उसको किसी दूसरे योजना के तहत जो बाकी की राशि है 1850 के बाद जो 2500 में जो भी बचता 650 रुपए की राशि उसको जो है वो कंपनसेट किया है, तो कुल मिलाकर ये बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिकल मुद्दा है, यही कारण है कि इस मुद्दे को भाजपा जो है वो पूरी तरह से भुनाना चाहती है और इसीलिए आज इस मामले पर स्थगन लाया गया था और आने वाले दिनों में भी इस पर चर्चा के लिए भाजपा जो है बराबर सदन में दबाव बनाती रहेगी। जाहिर तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से जो विपक्ष है वो सरकार पर हावी होने की कोशिश करती है। बहरहाल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।